डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, 12th के फिजिक्स में हम लोग प्रकाशिक यंत्र को पढ़ रहे हैं और इस प्रकाशिक यंत्र में हम लोगों ने आवर्धन क्षमता और कोणीय आवर्धन को पढ़ा है कि आवर्धन क्षमता और कोणीय आवर्धन को एम से सूचित करते हैं और इसका फार्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। ठीक है, आपको याद नहीं हो तो हम याद दिला रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, पढ़ाए हुए हैं। बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा का मतलब होता है प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। ये भी दर्शन कोण ही है, ये भी दर्शन कोण ही है, लेकिन ये प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया है, जबकि यह जो है वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण है। तो बीटा और अल्फा क्या है? एक्चुअली दर्शन कोण का वैल्यू है जिसका मान डिग्री में होता है। 10 डिग्री के एंगल, 20 डिग्री के कोण पर प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया। अगर बोलेगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया नेत्र पर दर्शन कोण 30 डिग्री है, तो बीटा का वैल्यू 30 डिग्री। बीटा मतलब समझिए प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण, और अल्फा मतलब वस्तु द्वारा बनाया गया कोण। तो जब दोनों में से डिवाइड हम लोग कर देते हैं तब वो क्या हो जाता है? वो कोणीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन क्षमता कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम पढ़े हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो अगर कोई पूछेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन कितना होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का जो कोणीय आवर्धन होता है कैपिटल M इज इक्वल टू 1 + d / f। जी बिल्कुल, याद रखिएगा ये कैपिटल M का वैल्यू होता है क्या, तो 1 + d / f। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा कि ये भी है एक तरीके का कोणीय आवर्धन ही, लेकिन ये कोणीय आवर्धन किसका है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी का है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन का फार्मूला कितना होता है? 1 + d / f। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आंकिक प्रश्न पे, कि अगर आंकिक प्रश्न में क्या दिया रहेगा, क्या बोला जा रहा होगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, हम फार्मूला सब कुछ बता दिए हैं। ये सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन है और ये सिंपल आवर्धन, यानी कि अगर कुछ नहीं बोलेगा सवाल में सरल सूक्ष्मदर्शी वगैरह, तो आपको ये वाला एम निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा जाए यदि किसी स्थान पर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण थर्टी डिग्री है और उसी स्थान पर रखी वस्तु का नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण 20 डिग्री हो तो इनकी कोणीय आवर्धन ज्ञात कीजिए जी हाँ, क्वेश्चन में आप पढ़िए तो लिखा हुआ है कि यदि किसी स्थान पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ लिखिएगा, दिया है हम लोगों को कि बीटा का वैल्यू 30 डिग्री, क्योंकि ये प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण होता है, और अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री, यानी वस्तु द्वारा बनाया गया कोण है 20 डिग्री। तब हम लोगों को पूछा जा रहा है कि कोणीय आवर्धन कितना होता है, तो कोणीय आवर्धन का फार्मूला बीटा बटा में
अल्फा 30/20, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे 1.5। तो इस तरीके से पहला का आंसर हो गया 1.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, लिखा जाए किसी वस्तु का प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण ज्ञात कीजिए यदि उसी स्थान से वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण 40 डिग्री है और इसकी आवर्धन क्षमता 2.5 है। चलिए इसमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सवाल समझिए। इस बार जो क्वेश्चन में दिया है, बोला कि बीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण आपको निकालना है, जबकि वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण 40 डिग्री है और आवर्धन हमको 2.5 है। तो सिंपल वे में आप यहां से m निकाल लीजिएगा। m का फार्मूला कौन सी होता है, बीटा बटा में अल्फा। तो यहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर लिखा जाए उस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, उस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर हो और इसकी प्रतिबिंब की दूरी 4 सेंटीमीटर हो। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के बारे में हम लोग पढ़े कि 1+d/f होता है। f का मतलब तो होता है फोकस दूरी और इसी d को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। याद कीजिए जब हम लोग फार्मूला प्रूफ करने के लिए ये जो d माने थे वो प्रतिबिंब दूरी माने थे, जबकि वस्तु दूरी को x माने हुए थे। तो यहाँ पर ये d जो है ये किसको डिनोट्स कर रहा है, प्रतिबिंब दूरी को, और f क्या बता रहा है, फोकस दूरी को। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है कि इस बार फोकस दूरी हमको सरल सूक्ष्मदर्शी का चलना है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का हमको क्या निकालिए, आवर्धन, जिसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए 2.5 और प्रतिबिंब दूरी कितना होना चाहिए, मतलब d का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो m का वैल्यू निकालना है तो 1+d/f और 1+, ठीक है, d का वैल्यू कितना तो 4 और बटा में f कितना 2.5। तो कुल मिलाकर इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा कि m का वैल्यू क्या होगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही ईजी क्वेश्चन। फिलहाल नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा जाए एक सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि
यदि इस सूक्ष्मदर्शी में यदि इस सूक्ष्मदर्शी में इस सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब की दूरी पंद्रह सेंटीमीटर है और इसी सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण का अनुपात तीन अनुपात चार है। जी हाँ, क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इस बार, हमें सबसे पहले कि हमें इसकी फोकस दूरी निकालनी है। किसकी फोकस दूरी भाई? सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी निकालनी है। जबकि इसमें बोल रहा है कि जो इसमें रखा गया कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। बहुत बढ़िया। अब इसी सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब के द्वारा और वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण का अनुपात, यानी कि ये प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण बनाया गया है, ये वस्तु द्वारा बनाया गया है दर्शन कोण का अनुपात हमको दिया है 3:4 है। लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, अभी लिखे ना कि अनुपात कितना है, 3:4 है। तो आपको जो है एफ निकालना है। सबसे पहले आप लिखिएगा, चूंकि एम का वैल्यू होता है बीटा बटा अल्फा, यानी कि दर्शन कोण बटा प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण वस्तु द्वारा, इसलिए हम बोलेंगे कि एम का वैल्यू कितना हो गया, 3/4। एम का वैल्यू फिक्स। और सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन का फार्मूला होता है एम बराबर 1+D/F। ठीक है, तो एम के जगह पे रख दीजिएगा 3/4, 1 के जगह पे 1 रख देना है, डी के जगह पे रखना है 15 और एफ के जगह पे रखना है वाट, यानी कि एफ को एफ छोड़ देना है। इस तरीके से आप इस तरह से आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल एक लास्ट क्वेश्चन को लिखा जाए। लिखेंगे उस सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी बीस सेंटीमीटर है और इसी सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया नेत्र पर दर्शन कोण 30 डिग्री है जबकि वस्तु द्वारा बनाया गया नेत्र पर दर्शन कोण 10 डिग्री है जी हाँ, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, इस बार जो है ना, हमें प्रतिबिंब दूरी निकालना है जबकि फोकस दूरी दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे तो कुल मिलाकर आज हम लोग देखें कि कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता और सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का सूत्र है उस पर हम लोग आंकिक प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले न्यू टॉपिक्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।